भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच रवि शास्त्री की नियुक्ति के साथ ही भारतीय टीम विश्व कप 2019 की तैयारियों में जुट चुकी है। भारतीय टीम का वर्ल्ड कप 2019 में क्या स्वरूप होगा, कौन खिलाड़ी इसका हिस्सा होंगे, कौन से नए चेहरे होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश रणजी टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व कोच और फिलहाल बीसीसीआई लेवल 2 के कोच श्री देवाशीष निलोसा जी। निलोसा जी, आपका स्वागत है। भारतीय टीम मिशन 2019 के लिए तैयारी कर रही है, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि विराट कोहली ही टीम की कमान संभाले। अभी तक तो यही रहेगा। कुछ खिलाड़ी हैं, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, और भी नीचे कुछ गेंदबाजों की बात करें, उमेश यादव या कुछ और भी, आपको क्या लगता है भारतीय टीम का स्वरूप क्या होगा 2019 के लिए? नहीं, देखिए, जब भी आप किसी बड़ी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। जहाँ तक आपने यंगस्टर्स की बात की है तो 2019 अभी हमारे पास 2 साल हैं और 2 साल में हम उन यंगस्टर्स को जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको बहुत तरीके से देख रहे हैं और उनको चांस देना है, तो वो अभी से हमको उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी कि उस समय तक 2019 तक हमको वो प्लेयर्स तैयार मिल जाए। अगर हम 2018 या 2019 में उसके 2-4-5 महीने पहले अगर ये सोच के चलेंगे कि अब हम तैयारी करेंगे तो वो बहुत लेट हो जाएगा। उसके पहले तक हमारी टीम बन जाना चाहिए, फ्रेमवर्क तैयार हो जाना चाहिए कि किस प्लेयर की क्या जिम्मेदारी है वो मालूम होना चाहिए, नहीं तो ये होगा कि हम पहुंच गए और फिर वहाँ जिम्मेदारियाँ अगर अपनी प्लेयर्स को नहीं मालूम है तो फिर वो बहुत एक मुश्किल सी प्रक्रिया होती है। तो नए खिलाड़ियों में नाम लिया जा रहा है, ईशान किशन हैं, ऋषभ पंत हैं, कुलदीप यादव हैं, राणा हैं, एक आईपीएल सनसनी के हैं त्रिपाठी, तो ये सब नाम हैं। लेकिन इन नामों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है कि इन सभी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा सीजन बीता है, लेकिन ज्यादा लोग इनको जानते हैं इनके आईपीएल परफॉर्मेंस है। देखिए, क्या होता है कि एक आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है ना, जिसको हम नकार नहीं सकते। हम इतने बड़े क्राउड के सामने, उतने बड़े प्रेशर के सामने, और जहाँ पे डिमांडिंग क्रिकेट है, मतलब आईपीएल में आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, आप देखिए बैंस ने, जब हम हर आईपीएल टीम की देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो जिनके नाम आज विश्व क्रिकेट में छाए हुए हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और अंडर प्रेशर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे यहाँ जो अच्छा परफॉर्म करके निकलेगा वो प्लेयर वही होगा जिसमें दम होगा। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत एक अच्छी चीज है कि एक आईपीएल उस प्लेटफॉर्म पे आईपीएल भारतीय क्रिकेट को लेके गया है कि जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमको तैयार मिल रहे हैं। तो प्रेशर में कैसे खेलना, प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और प्लेयर एक कंप्लीट प्लेयर पैकेज बन के फिर उभर के आता है, तो आईपीएल से निश्चित तौर पे बहुत अच्छा। और ये जो नए बच्चे हैं इन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म किया, तो उनको जैसे जैसे चांस मिलेगा वैसे वैसे और मैच्योर। देखिए क्या होता है, टाइम के साथ साथ प्लेयर मैच्योर होता है। एक बात मैंने नोट की, महेंद्र सिंह धोनी संभवतः अपने करियर के ढलान पर है क्योंकि ओडीआई क्रिकेट भी छोड़ चुके हैं और वनडे क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं जा रहा है। धोनी की भूमिका विकेट कीपर की है, विकेट कीपर पर जब सिंह फिनिशर, वो एक एडेड एडवांटेज है टीम इंडिया में। जहां धोनी का करियर ढलान पर है, उनके उम्मीदवारों, उनकी जगह लेने के लिए उम्मीदवारों की पूरी फहरिस्त तैयार है, ईशान किशन, ऋषभ पंत, संजय सैमसन या आप केदार यादव को भी उसका एक कंटेंडर मान सकते हैं। तो आपको क्या लगता है धोनी की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा? देखिए, ये जो आपने जो दोनों तीनों नाम लिए हैं ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो इनके पास एक बहुत अच्छा समय है और जिस जो आईपीएल में और इसमें इनको एक मैच्योरिटी भी आई है, तो यही जो प्लेयर्स हैं इन्हीं में से कोई एक है जो धोनी की विरासत को आगे ले जा सकता है। और ऋषभ पंत में मुझे लगता है कि वो सारी संभावनाएं ईशान किशन में है, फिर संजू सैमसन है, और जब भी मौका पड़ा है तो केदार यादव ने किया है, बट मुझे इन सब में ऋषभ पंत में बहुत उम्मीदें दिखती हैं मुझे, जो एमएसजी की विरासत को आगे। एक तकनीकी कमी लगती है क्या आपको कि जब हम विकेट कीपर की बात करते हैं तो दुनिया भर में ऐसा माहौल बन गया है कि क्वांटन डिकॉक, इससे पहले एडम गिलक्रिस्ट या कुमार संगकारा, महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर का
एक बेहतरीन बल्लेबाज होना जरूरी है? जरूरी इसलिए, देखिए क्या होता है कि जब जिस लेवल का क्रिकेट आ गया है ना, जहां क्रिकेट एक बहुत अलग हाइट पे है, तो आपको सिर्फ एक एक सेगमेंट को लेकर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। पुराना समय था कि विकेट कीपर सिर्फ विकेट कीपर हुआ करता था, जिस विकेट कीपर ने भी अच्छा बैट्समैन हुआ है। क्या होता है कि आपने कई आईपीएल की टीमें देखी होंगी जहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो जाते थे, जो जो विकेट कीपर कहना चाहिए बहुत सीरियस विकेट कीपर नहीं होते थे, वो पार्ट टाइम विकेट कीपर्स को ही टीमें, पर ऐसे में ऐसा होता है कि कोई कैच आया या कोई स्टंप का मौका बना तो मैच ही नहीं, पर आपको मालूम है कि ये प्लेयर मेरा यूटिलिटी क्रिकेटर है, ये प्लेयर ने अगर छोड़ा है तो ये मुझे बैटिंग में भी रन करके देगा। और फिर क्या होता है कि आपका जो टैलेंट है निखार टैलेंट का दोनों जगह आना चाहिए। अगर मैं विकेट कीपर हूँ और मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ तो एक मेरी टीम के लिए तो बोनस है ना। तो मतलब आपकी बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो भी विकल्प होगा वो विशुद्ध बल्लेबाज होगा और साथ में विकेट कीपर। यस, क्योंकि डिमांडिंग क्रिकेट डिमांडिंग हो गया है, तो परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया है कि भाई आप परफॉर्म करोगे तो आप सर्वाइव करोगे, तो आपको तो वही प्लेयर उसको रिप्लेस करेगा जो बहुत अच्छा बैट्समैन भी होगा। गेंदबाजों की बात करते हैं, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और ईशांत शर्मा की भी हम बात करेंगे कि वो भी टीम का हिस्सा रहे। ये जो मैंने नाम लिए ये काफी टाइम से टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि डाउनलाइन भी तैयार होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, आज हमारे पास फोकस हो गया, आपने जैसे आपने बताया कि रवि शास्त्री को अंडर मतलब वर्ल्ड कप के लिए हमने 19 वर्ल्ड कप 19 तक के लिए कोच डिसाइड किया, हमने राहुल को भी वो भी भूमिका दी है कि वो जब भी बाहर जाएंगे तो टीम बाहर टूर करेगी तो वो स्पेशलाइज एक्सपर्ट के रूप में जाएंगे बैटिंग के। तो बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें एक कंप्लीट वो बनाती हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। कप्तान विराट कोहली पर एक सवाल कि कभी कभी देखा जाता है कि वो टेम्परामेंट का, कई आईपीएल के मैचेस में देखे हमने, तो एक खिलाड़ी के लिए एग्रेशन को काबू में रखना कितना जरूरी है, ये बात कितने मायने रखती है इंटरनेशनल एरिना में? देखिए क्या होता है कि हर आदमी का अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है। हाँ, ये सब चीजें उस लेवल पे बनाई नहीं जा सकती या ओढ़ी नहीं जा सकती, ये हर आदमी हर इंडिविजुअल अपना है। अगर विराट में वो एग्रेसिवनेस आज से नहीं, शुरू से ही है, जब हम उसकी बैटिंग में भी देखते हैं तो बैटिंग में भी वो एग्रेसिवनेस होती है, तो वो एग्रेसिवनेस को वो कैसे हैंडल करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट, और अभी तक कर रहे हैं। और धोनी का देख रहे हैं, अगर धोनी तो कूल और काम थे, पर ऐसा नहीं है कि कूल और काम आदमी प्लेयर या इंडिविजुअल एग्रेसिव नहीं होता, उसका एग्रेशन कहीं दूसरी ओर से आता है। अगर सौरव गांगुली अगर देखेंगे तो उसका एग्रेशन अपना था, उस समय वो एग्रेशन जरूरी था क्योंकि टीम को बनाना था, आज वो जो टीम खड़ी हुई है वो उसमें सौरव का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्लेयर्स को उनकी प्रतिभा को खुद पहचानने के लिए ऐसे कैप्टन भी बहुत जरूरी हैं। तो ये थे नीरज सिंह जी हमारे साथ। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2019 की तैयारियों में जुट चुकी है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि भारतीय टीम खिताब जीते। धन्यवाद।